हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डंकी के बाद अब किक टू अपनी धांसू आकर दिखाने वाली है। सलमान खान की टाइगर 3 ने पूरे बॉलीवुड में काफ़ी परचम ले रहा है, तो अब बारी आ रही है सलमान खान की नेक्स्ट मूवी किक टू की, जिसका फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किक टू में सलमान खान और जैकलिन तो नज़र आने ही वाले हैं, साथ ही में इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि किक टू में विलन कौन रहने वाला है। आजकल विलन लोग का राज चल रहा है, हीरो से ज़्यादा तो विलन की ही डिमांड है। ऊपर से विलन को किक फर्स्ट में जो किक आई थी 2014 में, उसमें विलन को मरा हुआ घोषित नहीं किया गया था और उसमें फेस और डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई थी, जिससे हम सब थ्योरीज बनाने लग जाते हैं कि अगर हमें विलन की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई तो उसका मतलब उसकी वापसी के चांसेस अभी भी बाकी हैं। और ऐसे ही चांसेस किक के विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी हो सकते हैं। जी हाँ, 2014 में किक बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यही कहा है कि भाई मैं तो मर गया था, फिर वापस कैसे आ सकता हूँ। हाँ, अगर कब्र से मुझे वापस लाया जाएगा तो मैं डबल जान के लिए वापस आ सकता हूँ। वैसे कब्र से क्यों, उस फिल्म में किक फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मरा हुआ दिखाया तो गया नहीं था, इसलिए हो सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी किक टू में वापस विलन के रोल में नजर आएं और उनके वो डायलॉग्स वापस हमें देखने को मिले। लेकिन ये किक टू है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला होगा और इसको देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एक्टर की, वो है एक्टर रणदीप हुड्डा, जिन्होंने SP हिमांशु का कैरेक्टर निभाया था। अब रणदीप हुड्डा ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग की वजह से सिर्फ किक ही नहीं बल्कि कई सारी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ दी है, जिसकी वजह से टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में उनकी गिनती होती नज़र आती है और वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हो सकता है कि किक टू के अंदर रणदीप हुड्डा की भी एंट्री। लेकिन आप लोगों को बता दें कि रणदीप हुड्डा से पूछने पर उन्होंने यही कहा है कि अभी तक उन्हें फिल्म का कोई ऑफर नहीं मिला और अगर ऑफर मिला तो वो इस फिल्म को जरूर करना चाहेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एज अ विलन इस फिल्म में देखना, और क्या आपको लगता है कि 2024 में सलमान खान की किक टू रिलीज़ होगी और ब्लॉकबस्टर होगी? अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए।